पवन सिंह और अक्षरा सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम हैं। पवन सिंह ने और अक्षरा सिंह ने भोजपुरी इंडस्ट्री को बहुत ही हिट फिल्में दी हैं और बहुत ही हिट गाने दिए हैं। इस वक्त जो चर्चा का विषय गर्म हुआ है वह यह है कि भोजपुरी इंडस्ट्री से पवन सिंह और अक्षरा सिंह ने दूरी बनाई है, ऐसी चर्चा चल रही है। इस चर्चा में कितनी सच्चाइयां हैं इसे हम जानने की कोशिश करते हैं। 2023 की शुरुआत हुई है, 2023 में भोजपुरी अवार्ड शो हुए हैं, भोजपुरी के बड़े बड़े अवार्ड शो हुए हैं। जो अवार्ड शो के आयोजक हैं वो ये दावा करते हैं कि हमारा अवार्ड शो नहीं है, यह एक महोत्सव है, बहुत शानदार हम ये आयोजन करते हैं। अगर हम ध्यान दें तो 2023 में 4 अवार्ड शो हुए हैं। इन चारों अवार्ड शो में अगर ध्यान दें तो पता चलेगा कि पवन सिंह और अक्षरा सिंह दोनों ही अवार्ड शो में नहीं हैं। कुछ लोगों ने यह कहा कि पवन सिंह इसलिए नहीं आते हैं कि केसारी लाल के साथ उनके अनबन है, जहां केसारी लाल होते हैं वहां पवन सिंह नहीं होते हैं। अगर हम इस बात को माने तो अवार्ड शो काफी हुए हैं जहां केसारी लाल नहीं गए, केसारी लाल नहीं गए वहां पवन सिंह भी नहीं गए। इसका मतलब यह है कि कोई अनबन वाली बात नहीं है, यह बात कुछ और है। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, हो सकता है आयोजक को यह नहीं लगता कि यह दोनों अवार्ड को डिजर्व करते हैं, ये आयोजक को हो सकता लगता हो, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि पवन सिंह और अक्षरा सिंह बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, तो ये आयोजक को लग नहीं सकता कि ये उसके लिए डिजर्व नहीं करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि पवन सिंह और अक्षरा सिंह ने अवार्ड शो से दूरी बना ली है, उनका यह मानना हो सकता है कि यह अवार्ड शो, ये मेरा मानना है कि वो ऐसा सोचते होंगे। इसमें सच्चाई कितनी है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं कि वो ये सोचते होंगे कि यह अवार्ड शो पारदर्शी नहीं है, शायद इसलिए ये दूरी बना रहे हैं। समय समय पे ऐसे सवाल आते रहे हैं कि अवार्ड शो, ये हिंदी की भी बात भी मैं कर दूं कि हिंदी में भी जो अवार्ड शो होते हैं उस पर भी सवालिया निशान उठते रहे हैं, और भोजपुरी तो बहुत ज्यादा ही भोजपुरी वाले अवार्ड शो पे उठते हैं। अगर मैं कुछ दिन पीछे जाऊं तो जो अवार्ड शो हुआ था मुंबई के अंदर, तो वहां एक एक्टर को पिछले 4 साल से अवार्ड दिया जा रहा है। हमने उनसे जानने की कोशिश की तो वो बोलते हैं कि केसारी जी हमारे यहां नहीं आते, पवन जी हमारे यहां नहीं आते, इसलिए हम उनको अवार्ड नहीं दे सकते। ये ऑफ कैमरा उनका बोलना है। और लगभग हमारे जो सहयोगी जब आयोजक से बात करते हैं तो लगभग हर एक आयोजक यही बोलता है कि जो हमारे अवार्ड शो में आएगा उन्हें हम अवार्ड देंगे, वही हमारे लिए एक्टर हैं, वो उनकी ही फिल्म जो है डिजर्विंग है, बाकी लोग की नहीं है। यह मैं नहीं जानता कि अवार्ड शो के आयोजक ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो आएगा उसे ही हम अवार्ड देंगे, जो नहीं आएगा उसे नहीं देंगे। ये तो आयोजक की अपनी सोच है, हो सकता है उनकी अपनी मजबूरी हो सकती है। लेकिन विषय मेरा यह है कि पवन सिंह और अक्षरा सिंह अवार्ड शो से दूरी बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं अगर आपको कुछ पता हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि पवन सिंह और अक्षरा सिंह ने अवार्ड शो से क्यों दूरी बनाई है। क्योंकि ये बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, और ये बहुत अच्छी फिल्में देते हैं और डिजर्व भी करते हैं। उसके बाद भी आयोजक, मुझे मैंने जहां तक ध्यान दिया है कि आयोजक इनकी फिल्मों को बेस्ट फिल्म तो देते होंगे, लेकिन इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड तो नहीं दे रहे हैं। बेस्ट एक्टर का अवार्ड शायद उन्हीं को देते हैं जो उनके यहाँ आते हैं। तो अवार्ड शो पे तो बहुत से सवालिया निशान हैं। अभी जो है भोजपुरी में 4 अवार्ड शो हुए हैं, कल भी अवार्ड शो हुआ है। अगर वहां की भी बात करूं तो वहां भी पवन सिंह और अक्षरा सिंह नहीं पहुंचे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पवन सिंह और अक्षरा सिंह ने अवार्ड शो से दूरी बना ली है। आप अपनी राय जरूर कमेंट्स बॉक्स में रखिए, क्यों अक्षरा सिंह और पवन सिंह ने अवार्ड शो से दूरी बना ली है।